बाबा नगरी देवघर नीची बस स्टैंड पर एक बार फिर रौनक देखने को मिली। स्टैंड पर यात्री मास्क पहने नजर आए, हालांकि यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आई। बस स्टैंड का जायजा लिया है सहयोगी मनीष ने। निजी बस स्टैंड पर खड़े आप देख सकते हैं, यहाँ अब गुलजार लौट आई है। कह सकते हैं कि देखिए बसें भी खड़ी हैं, स्टाफ भी यहाँ खड़े हैं, और सबसे अच्छी बात यह है जो सुकून वाले की सबके चेहरे पर मास्क है, कहीं गमछी है। हम सीधे यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि जो बसें जा रही हैं, अब जो शुरू हो गया कितनी बसें निकल रही हैं। अभी तो सवारी का तो कोई रुख है नहीं, बिल्कुल सभी गाड़ियां खाली ही जा रही है, कोई रुख नहीं है सवारी का। अभी सिर्फ स्टाफ लोग फुसा रहा है किसी तरह। लोग यात्री क्या कर रहे हैं टिकट भाड़ा को लेकर? टिकट यात्रा की बहुत महंगा है, कैसे जाएंगे हम लोग? लेकिन बोलते हम लोग भी क्या करेंगे, सरकार की तरफ से वैसा आया है और मालिक के खाते में भी कुछ नहीं जा रहा है, इसीलिए चलो भाई कुछ बढ़ा के कुछ दे दिया जा रहा है। अगर जिसके पास नहीं रहता उसको भी ले जाते हैं। एक बस खुलने वाली है, हम एक बार देखे यहाँ कुछ यात्री चल रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। बस भैया कहाँ जाना है? गोड्डा जा रहे हैं। मास्क लगाए हुए हैं सब लोग के साथ? जी हाँ। थोड़ी भाड़े को लेकर परेशानी हो गई? हाँ भाई, दोगुना लग रहा है तो भाड़ा तो परेशान करेगा ही ना। इन लोगों का कहना है कि चूंकि बाबा नगरी देवघर एक पर्यटन स्थल है, जब तक यहाँ बाबा मंदिर पूरी तरह से तीर्थयात्रियों के खुल नहीं आती, तब तक यहाँ की रौनक जो ज्यादा संख्या होता है वो अभी तब तक नहीं लौट पाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, निजी रंग के लिए देवघर से।